जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आए। आज आपके सामने कोई पावर पॉइंट और स्लाइड नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ज्ञान की दृष्टि आपके ऊपर डालूंगा और आई होप आपको पसंद आए। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का, वो ये है कि किंग जोंग ऊन जिनकी र्यूमर आ रही थी मरने की, क्या वो सच है? नहीं, झूठ है। वो मरे नहीं, अभी जिंदा है। उनकी जो डेथ की बात है वो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर मान लो वो डेथ सच में हो जाती है तो क्या होगा, और अगर वो डेथ हो गई तो उनके न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा, उनके ब्लास्टिंग मिसाइल का क्या होगा, उस देश का क्या होगा, उस देश में आने वाली डिक्टेटरशिप का क्या होगा, और उसमें स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, क्या उसके हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे, वहां पर कुछ होगा नहीं होगा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो एनिमिटी है वो खत्म होगी कि नहीं होगी, और यूएसए इस चीज को कैसे देखता है, इस बात पर भी हम डालेंगे नजर। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने, बाय प्रोफेशन आई एम यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोहन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, शुभम वाशनो ओवर हियर, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि किंग जोंग ऊन अगर मर जाते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, तो क्या होगा। किंग जोंग ऊन जो डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया के, उनसे हमारे कोई रिलेशन नहीं है, ना हम ट्रेड करते हैं ना हमें कुछ मतलब है उनसे, बट क्योंकि दो देश ऐसे हैं जिनको इनसे बहुत मतलब है इसलिए हमारा रिलेशन इनसे ज्यादा बन जाता है। किंग जोंग ऊन से दो देश जो बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं वो है एक यूएसए और दूसरा है चाइना। चाइना इसलिए रिलेशन रखता है नॉर्थ कोरिया से क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको मिसाइल सप्लाई करता है, उसको इक्विपमेंट सप्लाई करता है और वहां पर ट्रेड भी है, जबकि यूएसए से नॉर्थ कोरिया की एनिमिटी है। यहां पर किंग जोंग ऊन यूएसए को कई बार न्यूक करने की, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की भी धमकी दे चुका है, जबकि नॉर्थ कोरिया का साइज बहुत ही छोटा है। इसके बाद आपको दो बातें और समझनी है। पहला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों में झगड़े चलते हैं हमेशा, उनमें 36 का आंकड़ा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया की जो नॉर्थ साइड की बॉर्डर है वो चाइना से टच करती है। ये दो बात आपको याद रखनी है। अब हम ये समझेंगे कि अगर किंग जोंग ऊन मर जाते हैं, जिनका र्यूमर आजकल बहुत फैल रहा था कि उनका ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन डेड हो गया, उनकी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो उनके जो आगे जो सक्सेसर होगा वो कौन होगा, और अगर सक्सेसर हुआ तो आगे वो क्या करेगा, और सक्सेसर नहीं हुआ तो क्या होगा। पहले हम केस लेते हैं जहां पर सक्सेसर नहीं होगा, पर हमें पहले जानना होगा ये ऐसे भी सवाल पूछा कैसे जाएगा। देखिए, अब इसमें इंडिया का कोई एडवांटेज या नुकसान तो कुछ है नहीं कि भाई किंग जोंग ऊ मर गए तो क्या होगा, पर यहाँ पर सवाल ऐसा पूछा जा सकता है आपसे एसएसबी में कि मान लो अगर नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं किंग जोंग ऊ वो मर जाते हैं तो दुनिया में जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बदलाव क्या आ जाएगा, क्योंकि चार हो गए थे, दो देश सुपर पावर के लिए लड़ रहे हैं और वो है चाइना और यूएसए। चाइना की बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से टच हो रही है और यूएसए की दूर दूर तक बॉर्डर टच नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं यूएसए का एलाय साउथ कोरिया वहां पर बैठा हुआ है जिसकी बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से टच हो रही है, तो यहां पर क्या होगा। अब यहां पर अगर हम थोड़ा और डिग करें तो मान लो 2 मिनट के लिए नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर अभी 2 मिनट पहले मर गए, दुनिया में बहुत ही हाहाकार मच जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को ऐसा माना जाता है कि वो एक ऐसा बंदर है जिसके हाथ में AK-47 थमा दिए और वो फ्रीली कहीं भी मार रहा है। वो ना अपने लोगों को ये समझता है कि उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, ना ही वो ये मानता है कि उनको कुछ फ्रीडम देनी चाहिए। वो एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में जहां पर वुमेन अपलिफ्टमेंट 0 है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो किंग जोंग ऊ है उन्होंने कभी भी अपनी जो बहन है या अपनी जो फीमेल रिश्तेदार है उनको प्रिविलेज नहीं दिया, बट आज की तारीख में ये माना जाता है कि किंग जोंग ऊन की जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो उनकी सिस्टर ही है। अगर किंग जोंग ऊन की सबसे ज्यादा क्लोज सिस्टर ही है तो किंग जोंग ऊन के बाद जो प्रिविलेज मिलेगी आगे गद्दी पे बैठने की, डिक्टेटरशिप की, वो उनकी बहन को मिलनी चाहिए, बट क्योंकि आज तक हायरार्की में कोई भी वुमेन इतनी ऊंची पोस्ट पे नहीं बैठी तो बहुत मुश्किल हो सकता है।
तो यहां पर नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के मरते ही जो एक बात आएगी वो जहन में, वो ये आएगी कि उनके न्यूक्लियर वेपन का क्या होगा, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर वेपन गलत हाथ में पहुंच गए या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पहुंच गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है न्यूक्लियर वॉर वहीं से स्टार्ट हो जाए और वो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी हर देश की तरफ से। यहां पर हर देश के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो एक साथ रहे, इकट्ठा रहे, और इस सिचुएशन को अगर नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर मरते हैं तो उस स्टेट की सोवरेनिटी को थोड़ा इंटरफेयर किया जाए और वहां पर स्टेबिलिटी लाई जाए। और हो सके साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जिनका कल्चर सेम है, जिनकी लैंग्वेज सेम है, उसको मर्ज कर दिया जाए जिससे बेनिफिट आए। या ये भी नहीं होता है तो एक और तरीका ये है कि नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी लाई जाए। यहां पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया से आज तक लोग भागते हुए आए हैं तो वापस लोग भी आना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जमीन से प्यार होता है। जब आप किसी देश को छोड़ के भागते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होता है, तो वो नुकसान को वापस रिकवर करने वो लोग अपने देश आना चाहेंगे। यहां तक कि हो गई मोटी मोटी बात। अब यहां से तो दूसरा पॉइंट है कि मान लो अब डिक्टेटर मर गया है तो सक्सेसर या तो उनकी बहन होगी या कोई दूसरा आएगा। दूसरा कौन आएगा वो पता नहीं, पर चांसेस यहां पर बोले जा रहे हैं कि बहन ही आएगी। बहन के आने का बस एक ही रीजन है यहां पर, क्योंकि उनके क्लोज रिलेशन है। ठीक है, अब सवाल तीसरा ये आता है कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर मरने क्यों वाले हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं उनका बीएमआई बहुत ऊपर है, वो आई थिंक 100 kg से ऊपर है आज की तारीख में, और उनके उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आई मीन उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, बीएमआई की तो प्रॉब्लम है ही, तो बीपी की प्रॉब्लम भी होगी उन्हें, और इन सारी बीमारियों के साथ वो आज अपने बॉडी के नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। एक रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जहां पर साउथ कोरिया के जो लीडर हैं और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं वो दोनों एक साथ मिले, और उन्होंने कोई ट्री प्लांटेशन का कुछ करा ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर देखा गया कि जो साउथ कोरिया के लीडर हैं वो आराम से वो कर पा रहे थे, वहीं नॉर्थ कोरिया के लीडर को झुकने में दिक्कत आ रही थी, जबकि उनकी उम्र मात्र 35 साल है और साउथ कोरिया के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट है, उनकी उम्र 65 ईयर्स है, वो फिट है और वो काम कर पा रहे थे। अच्छा, दूसरा फेज ये आता है, मान लो नॉर्थ कोरिया का लीडर मर जाता है तो साउथ कोरिया पे इफेक्ट क्या आएगा। देखिए, साउथ कोरिया हो सकता है कि उसकी सोवरेनिटी को इंटरफेयर करे, बट आज तक साउथ कोरिया के केस में ऐसा कोई केस नहीं आया जहां पर वो किसी भी देश की सोवरेनिटी को इंटरफेयर कर रहा हो। बट हाँ, वो इनविटेशन जरूर भेजेगा नॉर्थ कोरिया के लोगों को कि वो साउथ कोरिया के साथ मर्ज हो जाए, क्योंकि साउथ कोरिया आज की तारीख में बहुत ही डेवलप देश है। अगर उसकी ओलंपिक्स में रैंक देखें तो वो 7th और 8th पे आती है, जो कि बहुत अच्छी है। इंडिया जहां वहां से बहुत नीचे पहुंचता है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने में, तो वहां पर कहीं ना कहीं साउथ कोरिया बहुत आगे। हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ भी नहीं है। उनकी पॉपुलेशन इतनी है कि आप 4 दिल्ली मिला दो उतनी हो गई, मतलब एक दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो है 50 लाख, और अगर 50 लाख को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन गया 2 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं मैथमेटिक्स में, तो नहीं, 20 करोड़ हो गई, राइट? हाँ, 2 0 आ गई, तो 20 करोड़ हो गई पॉपुलेशन। तो 20 करोड़ पॉपुलेशन कोई ज्यादा नहीं होती, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वहां वो अपने रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं साउथ कोरिया की जो कंपनी है वो इंडिया में इंटरेस्टेड हमेशा से रही थी, और वहां पर जब कहीं ना कहीं मिलिट्री का खर्चा ज्यादा होगा तो अब वहां पर लोगों के डेवलपमेंट पे और फोकस किया जाएगा, और जितनी तेजी से साउथ कोरिया ऑलरेडी डेवलप कर रहा था और डेवलपमेंट आएगा। अब वापस आते हैं अपने सवाल पे जहां से हम थोड़ा भटक गए। सवाल हमारा ये था कि नॉर्थ कोरिया की अगर डिक्टेटरशिप खत्म हो जाती है तो जियो पॉलिटिक्स कैसी हो जाएगी। जियो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन को हमें कहीं ना कहीं डिसआर्म करना होगा। आपने एनपीटी का नाम सुना होगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब यह है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो खत्म कर दिए जाए। तो कहीं ना कहीं हर देश यही चाहेगा कि उसके वेपन खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो वेपन खत्म नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉर के लिए हबड़ तबड़ बच जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे नजर रख रही होगी कि किसी तरह हमें वहां पर न्यूक्लियर पावर मिल जाए। नॉर्थ कोरिया में कोई राजा रहा नहीं, कोई डिक्टेटर रहा नहीं, कोई प्रेसिडेंट रहा नहीं, तो वहां पर गवर्नमेंट एकदम हिली हुई है, तो कोई हमें रोक टोक नहीं करेगा। वहां से चुरा लो, मार दो किसी को, कुछ कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये बात हो जाती है, पूरी कहानी जो पूछती है नॉर्थ कोरिया की या घूमती है नॉर्थ कोरिया की, वो अराउंड सिर्फ न्यूक्लियर वेपन के अराउंड घूमती है। एक और बात, उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल भी है।
अगर इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल उनके पास है और वो फिर कहीं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाती है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वहीं घूम फिर के बात ये आएगी कि उनके आर्म्स को डिसआर्म करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं पूरी जियो पॉलिटिक्स गड़बड़ा जाएगी और जो एशिया का रीजन है वो भी गड़बड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। और जहां जहां आज तक यूएसए ने इंटरफेयर किया है वहां सिर्फ डेथ आई है, और जब यूएसए वहां से निकलता है छोड़कर उस जगह को, तो वो जगह बर्बाद होके ही निकलती है, क्योंकि यूएसए को सिर्फ अपने यहाँ पीस होने से मतलब है, दुनिया में पीस होने से मतलब नहीं है। वो अफगानिस्तान से निकला, वहां पर बहुत दिक्कत आई, वो सीरिया से निकला, वहां पर बहुत दिक्कत आई, वहां के लोगों का क्या हुआ, यूएसए को उससे कोई मतलब नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर राइट नाउ ओवर हेयर कि जैसे ही नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप खत्म हो, सारे देश इस बात के लिए रेडी रहे कि उसके न्यूक्लियर आर्म्स को डिसआर्म कर दिया जाए। नॉर्थ कोरिया में कहीं ना कहीं उसकी सोवरेनिटी को मेंटेन या ध्यान में रखते हुए उसमें या तो डेमोक्रेसी लाया जाए या साउथ कोरिया के साथ उसे मर्ज कर दिया जाए। ये होता है इस टॉपिक का एंड। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये सवाल आपके पर्सनल इंटरव्यू में कैसे पूछा जाएगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पर बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूँ तो #भाषण करके कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माई एम इज टू टेक यू वन स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में, और टाइप करिए ऐसे भी जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। वो है अंतिम पगों के निशान।